नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड से है, जहां लालकुआं क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र टुमका ने आज क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं वैक्सीनेशन टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंजीयन वैक्सीनेशन रूम के साथ पानी बिजली की व्यवस्थाएं भी देखी। इस दौरान विधायक नवीन टुमका ने टीका लगवाने आए लोगों से चर्चा कर उनके अनुभव पूछे। इसके बाद विधायक ने अस्पताल स्टाफ से भी चर्चा कर कहा कि इस समय जिनका टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए उनका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा टीकाकरण केंद्र पर उन्हें कोई परेशानी ना होनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि बिना वजह उन्हें इंतजार ना करना पड़े। चिकित्सालय में जाने का कार्यक्रम है, कई जगह पर बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएँ हैं, जैसे सेंट्राइज की ऑटोमेटिक मशीन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊपर वाले अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि इस विषय में किसी ने आज तक बताया भी नहीं। मैंने यहाँ थाने में, मस्जिद में, सभी जगह पेयजल व्यवस्था समरसेबल दिए हैं, जल्दी वहाँ पर भी दूँगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लगभग जितने इनके पास डोज हैं उससे कम ही लोग संख्या में यहाँ पर पहुँचे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर होगा। कोशिश यह है कि लोगों से संपर्क बना रहे और लोगों का विश्वास सरकार पर, उसके कार्यक्रम पर बना रहे। ये भी उसी का हिस्सा है। अभी मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा कि पर्याप्त डोज यहाँ पर दे दी जाए, ताकि लोग दूर दराज से आते हैं उनके मन में किसी प्रकार का असंतोष न हो। अभी ठीक है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।